हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्शस कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं गार्गी गुप्ता। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट को आप नॉर्मली क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं माउस से, सिंपल पेज लेआउट को, या हम ऑल्ट एंड पी कीबोर्ड पे प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। हम पहले ऑल्ट प्रेस करेंगे, देन हम पी प्रेस करेंगे, हमारा पेज लेआउट शो हो गया, ओपन हो गया। अब हमारा इसमें आता है थीम्स। ये एक्सेल शीट पर अप्लाई कर सकते हैं इन्हें थीम्स को। एक्सेल में हमारे पास पहले से ही कई थीम्स अवेलेबल होती हैं। आप इन थीम्स को अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, जो सी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप इसमें फॉन्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो से आप करना चाहते हैं। आप देखेंगे बैकग्राउंड में जिस मैं लेके जा रही हूँ, तो थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं आपके अल्फाबेट्स और नंबर्स में, तो यही सब चेंजेस होते हैं इसमें। आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है पेज सेटअप। इसमें आप मार्जिन लगाते हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो, ठीक है। ऑरिएंटेशंस आते हैं हमारे, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं आप, लैंडस्केप करना चाहते हैं, साइज आप लेटर और ये सब हमारे A3 पेज रखना चाहते हैं, A4, ये सब हमारे साइज आ जाते हैं। आप सेट कर सकते हैं प्रिंट एरिया, आपको कितना प्रिंट करना है। ब्रेक्स कर सकते हैं, पेज को आप ब्रेक कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट किया तो हमारा पेज ब्रेक हो गया, या आपको लाइन दिख रही है एक बोल्ड, पेज ब्रेक हो गया। अगर मैं इसे हटाना चाहती हूँ तो हम रीसेट कर देंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया है। आप इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में आप या तो ऑनलाइन ब्राउज करके, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल हो तो आप वो कर सकते हैं। अब हमारा आता है स्केल टू फिट। इसमें एक्सेल शीट को प्रिंट करने से रिलेटेड वर्क होता है। आप अपने अकॉर्डिंग शीट की वेट और हाइट सेट कर सकते हैं स्केल। अब हमारा आता है शीट ऑप्शंस। इसमें दो कमांड आपको शो हो रही है, एक ग्रिड लाइन, एक हेडिंग। ग्रिड लाइन हमारे हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अभी आपके व्यू पे है हमारा, ठीक है। अभी अगर मैं इसे हटाना चाहती हूँ तो मैं कर दूँगी, ये हमारी ग्रिड लाइन्स हट गई, क्लियर हो गई हमारी ग्रिड लाइन्स। मैं दोबारा व्यू कर देती हूँ, हमारे व्यू हो गई। अब हेडिंग्स, फिलहाल हमारी व्यू है, अब मैं हटा देती हूँ तो हेडिंग्स चेंज हट गई हैं, आपके नंबर्स एंड अल्फाबेट्स सब हट गए। देन मैं फिर से व्यू कर देती हूँ। आप इसमें ग्रिड लाइन और हेडिंग्स हटा और शो कर सकते हैं। सेकेंड, हम अब हमारा नेक्स्ट आता है अरेंज। अरेंज का यूज़ एक्सेल शीट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए, उन्हें अरेंज करने में हेल्प करता है। आप इसमें पिक्चर की पोजीशन, उसका अलाइनमेंट, ग्रुपिंग एक्सेट्रा की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहीं तक हमारा पेज लेआउट का यही था हमारा। इसका यूज़ कैसे होता है ये मैंने आपको वैसे एक फाइल ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एक सेकंड वेट कीजिए। ये देखिए, ये थोड़ी एडवांस लेवल का हमारा वर्क होता है। ये मेरी एक फाइल है, मैंने आपको वो शो की है। इस तरह से हमारा एक्सेल पे वर्क हो जाता है, किस तरह से होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा पेज लेआउट वगैरह का, होम का, इंसर्ट का प्रॉपर यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स नॉलेज दे रही हूँ उसकी। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।